ये हमारा पेंट चाट चाट के खा रहे हैं, देखो ये देखो ये देखो, इनको उस पेंट में देखो सारा निकाल दिया उन्होंने, वहां से पूरा पेंट निकाल दिया। हे प्रभु, कहाँ जाऊं मैं, कैसे लंगूर है। शिट, पूरा कांटा चुभ रखा है, बैंकर वाला। इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा जला गया है, हालत खराब हो गई, दर्द से कैसे निकलेगा ये। आगे हमारे मेहमान, वो देखो ससुराल से आते हैं ना, सर में टेजी रख के वैसे ही आ रहे हो। नमस्कार ताई जी, मजा आ गया, मजा आ गया। पानी चाल के पानी ये देखो हमारी गेस्ट, मेरी माँ का बुढ़ापा नहीं दिखाने का, मेरी कमर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, इसने इनकी और इनकी बीवी का झगड़ा करा रखा है थोड़ी देर पहले ही। बाहर जाके मनाना पड़ा। इसने कहा क्या था? बोले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है मेरा। हे भगवान, और नाम भी क्या लिया, आदित्य लड़का योगेश्वरी, आदित्य योगेश्वरी आर्या। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि कल मानसिन आपको बताया था, वो आज के व्लॉग में जो हम गांव जाने वाले हैं वो नहीं जाने वाली, तो मैंने सोचा आज मैं ही क्यों ना स्टार्ट कर दूँ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और सुबह के बज रहे हैं 9:30, और अमित भाई भी खाना पीना खा चुके हैं। खाना पीना क्या चीज़, क्या तो अमित भाई खा पी के रेडी हो चुके हैं। अमित भाई का फ्रेंड भी आ रहा है, फ्रेंड ने बुआ का लड़का, आई थिंक आ रहे हैं वो। चलो ठीक है, अमित भाई के बुआ के लड़के भी हमारे साथ चल रहे हैं। मानसी ने आलू के पराठे खिलाए हैं हमें, गर्मा गर्म टेस्टी एकदम। तो फिर कैसे बोलूं मैं, बता। तो ये जाएगा, ब्लॉग बनाएगा, झाड़ू पोछा, आज का ब्लॉग करेगा, थोड़ा बोरिंग होने वाला है, तो प्लीज आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं काम करूंगी। आज मेरी हीरोइन मेरे साथ नहीं होगी। अरे 2 घंटे में तो नीचे आना है, वैसे खाना खाने आए पर डाला खाने के, यहाँ से ऊपर आएंगे खाना खाएंगे नीचे। जो भी है वो ब्लॉग तो पूरा वही बनने वाला है ना, तो ये नहीं होगी। मामा लोगों से मिल लेना आप लोगों को, उनसे मिलवाऊंगा। तुषार गया अभी नहाने, तो अभी ये सब लोग रेडी हो जाते हैं। अमित भाई का जो फ्रेंड है, बुआ का लड़का है, कजन, सॉरी फ्रेंड कह रहा हूँ मैं, कजन है, वो आ जाता है तो हम लोग निकलते हैं। गाड़ी मैंने कर दी है साफ, वहाँ खड़ी है कोने में, और उसके बाद निकल के मैं आपको सीधा ऊपर ही दिखाता हूँ, जो भागवत में आज हवन होने वाला है, देन भंडारा होगा, और उसके बाद हम भंडारा खा के मम्मी को लेके, उन सबको लेके वापस नीचे आ जाएंगे। 3 बजे से मेरी शिफ्ट स्टार्ट है, तो उससे पहले कोशिश करूँगा मैं नीचे पहुँचने की, और बाकी देखते हैं। अमित भैया कहाँ, नीचे भागवत चल रहा है, तो मैं और तुषार आए हैं अभी। अमित अपने बुआ के लड़के के साथ बुलेट में आ रहा है, वो कह रहा था कि मैं बुलेट में आऊंगा, बुलेट में तुम जाओ गाड़ी लेके अपना। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, हम निकलते हैं। और गाइस मैं आपको दिखा दूं, नीचे है ना वो यज्ञ जो होना था वो चल रहा है, यहाँ पूजा हो रही है, तो वहाँ से कोई हाथ हिला रहा है, हाय बोल रहा है। तो गाइस मैं चलता हूँ नीचे, और फिर मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ बाकी सब लोगों से। वैसे आप मिल ही चुके हो लगभग लगभग सबसे, बट फिर भी मिल लेते हैं आज। ओम माते पचासी गाइस, ये गए थे घूमने और इनने अपना पैर में कांटा चुभा लिया है, दिख रहा है ये पूरा कांटा चुभा रखा है। इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा जला गया है, हालत खराब हो गई, दर्द से कैसे निकलेगा ये। गाइस मैं वो बन चुका हूँ डॉक्टर, अपना ऑपरेशन खुद कर रहा हूँ, और मुझे मिल रही है खुशी, ये सबसे ज्यादा खुश है। इसके कलेजे को ठंडक मिली है, और ये कह रही है मैंने श्राप दिया था कि आपके पैर में ऐसा कुछ हो जाए। सच ही मैंने श्राप नहीं दिया था, मैं बस बोली कि कभी भी लोगों से अच्छे से बिहेव करो तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। जलन तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, नॉर्मल वाइप है, तो काटा चुकिया। अब दिखो ये रहा इसमें, ये जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा नहीं, ये इधर घुस गया है काटा, काटा नहीं क्या, वुड का लकड़ी छिलका, लकड़ी चली गई अंदर।
लकड़ी चले, लकड़ी पहले इस पे टकराई उंगली पे बहुत तेज, फिर थोड़ी देर बाद फील हुआ मुझे कि कुछ अंदर चला गया। मंदिर को जा रहे थे तब, अंदर को मत करो उसको, उल्टी साइड से करो। यहाँ पे भंडारा चालू हो चुका है, जो वहाँ पे व्यास गद्दी पे पूजा हो रही थी वो सब हो चुकी है। मैंने भी भंडारा खा लिया है और अब 3 बज चुके हैं, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है और मेरे को काम करना है, तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी शिफ्ट कुछ यूँ चल रही है, यहाँ बैठा हूँ मैं पेड़ की छाँव में, देख रहे ऊपर ये ऊपर, यहाँ मैं उस रोड से ऊपर आ गया क्योंकि यहाँ पे छाँव थी, और यहाँ आने का रीज़न है क्योंकि वहाँ जो मेरी गाड़ी खड़ी है ना वो काफ़ी धूप में खड़ी है, अंदर गया इतनी हीट हो रखी थी गाड़ी, थोड़ी देर एसी चला के मैं बैठा, बट इतनी हीट है कि वो जब तक गाड़ी चलेगी नहीं तब तक कूल होने वाली है नहीं, तो मैंने सोचा ये ऊपर पेड़ दिख रहे थे, मैंने सोचा यहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो लैपटॉप खोल के यहीं बैठ गए, यहीं शिफ्ट स्टार्ट हो गई है, तो अब यहीं बैठ के काम करेंगे जब तक मम्मी और तुषार ऊपर नहीं आ जाते, और वो आएंगे तो तुषार को शायद ड्राइव करके जाना पड़े अगर मेरा काम चला या मेरी कॉल चली तो, और अब कर जाएंगे सीधा, अब तो कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए आप लोगों को। मुझे पता नहीं, लगता नहीं हेमंत बनाएगा या नहीं बनाएगा व्लॉग, इसलिए मैंने अपना व्लॉग चालू कर दिया क्योंकि मेन मैंडेटरी मेरा काम है, तो मैं किसी और के भरोसे नहीं रहती। वैसे तो मुझे पता है कि उसने कहा है तो कुछ ना कुछ बना के रहेगा। अभी बज रहे हैं गाइस दिन के 12, और ट्रस्ट मी सुबह से मुझे 1% भी मतलब इतना सा भी टाइम नहीं मिला बैठने का। इन लोगों को सबको भेजा नाश्ता करवा के, उसके बाद फिर अमित भैया यहीं पर रुक गए थे, उनका कोई भाई आने वाला था, अभी 11 बजे करीब हो गए यहाँ से। और अभी मैंने जितने भी सारे कंबल हैं ना घर के, एक्चुअली बीच में क्या था देखो, आज भी ऊपर आप देखो तो बादल लगे हुए हैं, इधर को भी देखो सारे बादल लगे हुए हैं, बहुत दिनों से बारिश आई नॉन स्टॉप, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे, मैंने परसों भी दिखाया था क्योंकि हमारे घर के अंदर जो है वो सीलन जगह जगह से पानी जो चू रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है कि अंदर सीलन टाइप की आ गई है, तो इतने दिनों से वो ठंड में रहने की वजह से वो कंबल से भी थोड़ा सा सीलन की स्मेल आने लग जाती है, तो इसीलिए मैंने सारे कंबल जितने भी थे, अब यहाँ देखो पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ से लेके उधर तक, वो सारे मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं सुबह से, बस अपना कंबल छोड़ क्योंकि इसको मैं हमेशा डालते रहती हूँ बीच बीच में। और किचन में ही मैंने बहुत कुछ करा है आज, ये जितने भी लिफाफे, थोड़ा मैं लाइट खोल दूँ, यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत है, यहाँ लाइट बहुत जाती है, ये देखो आप सारा जो मम्मी ला के रखा हुआ था पन्नियों में ऐसे ही बदा हुआ है, और जो डब्बे थे वो गंदे होते सब धोने को डाल दिया, अब जो ये पड़े हुए हैं इससे ऐसे खुले इसमें पन्नियों में, इनको सब डब्बों में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इधर भी मैंने सारा अच्छे से लगा दिए साफ सूफ करके, अभी नीचे बचा हुआ है यहाँ पर सब साफ होगा, और सारा सामान जो है मैंने डब्बे धो के रखे हुए हैं यहाँ पर, इन डब्बों में अच्छे से मैं इनको एडजस्ट करूँगी, देन उसके बाद फिर मैं जो किचन है किचन को अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये काम मैंने किया सुबह से, और इस कमरे की तो हालत ही मैंने सारी ख़राब की हुई है, अभी मैंने ठीक नहीं किया हुआ है, बेडशीट वगैरह सब ठीक करनी है। यहाँ पर जितनी दरिया थी जितनी भी थी सब निकाल के मैंने, ये देखो यहाँ पर ना ये सीलन की वजह से यहाँ पर देखो पूरा ये बेकार हो गया, जबकि अभी हमने सब पेंट कराया था कुछ टाइम पहले, इधर को तो बहुत अच्छा हो रहा है पेंट, अगर आप इधर को देखोगे तो ये बारिश आने की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये ख़राब हो चुका है, तो यहाँ भी करा है और इधर की भी मैंने, भाई आज सारी दरियाँ आज मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, जितनी हो सकती हैं सब निकाल निकाल के फेंक दिए हैं, वहाँ की निकाल दिए यहाँ की निकालनी बाकी है। इनमें क्या है ना देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो आप दिख रहे हैं धूल आपको उड़ते हुए यहाँ पहाड़ों में, धूल एक तो चारों तरफ के खिड़की दरवाजे बने हुए हैं और शाम को बहुत तेज हवा चलती है जिसकी वजह से सब धूल भर जाती है, तो इनको बीच में धोना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं धो तो पाऊँगी नहीं अकेले, यहाँ इधर बेडशीट हैं, ये दरिया हैं, ये सब ये चटाइयाँ वगैरह इधर, तो मेरे मम्मी मुझसे परेशान हो आती क्योंकि मैं करती हूँ निकाल निकाल के फेंक देती हूँ, बाहर धोती नहीं हुआ निकाल के यहाँ रख दिया, वो धोने का काम मम्मी का है। तो अब वो आएगी आज शाम को हेमंत लोगों के साथ में, फिर थोड़ा थोड़ा करके दो दरी कल दो दरी परसों जितना भी होगा वो सारी दरिया वगैरह धोनी है। अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया, झाड़ू लगाती हूँ, आज लंच का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आलू के पराठे खाए हैं नाश्ते में, तो भूख भी नहीं है, टाइम भी हो गया, लंच का तो मन भी नहीं कर रहा है। देखती हूँ ये लोग कितने बजे तक आते हैं, मुझे लगता है शाम तक ही आएंगे क्योंकि अभी तो पहुँचेंगे 12 बजे लोग। तो बस अपना ये सारा काम ख़त्म करती हूँ दोस्तों, मैं बल्कि अभी ताऊ जी से बात कर ही रही थी, गाँव में इस समय सुबह 6 बजे ही लोग खेतों में पहुँच जा रहे हैं और हमारा तो नाश्ता ही 11 बजे हो रहा है। मेरे फेस को थोड़ा इग्नोर करना पड़ा, धूल से भरा हुआ, मैंने अभी अंदर झाड़ू लगाया हुआ है इस वजह से। और इस समय ये गाँव में क्या होता है कि जो आवाज़ सुनो पीछे,
ये आवाज आती है ना सुबह सुबह, यहाँ पर 6 बजे इतनी तेज रोशनी आती है कमरे के अंदर, मेरे सुबह 6 बजे से नींद खुली हुई आज। तो यहाँ का जो जीवन है, लाइफ है, थोड़ा सा स्लो है, मतलब यहाँ दिन पूरा गुजारना मुश्किल रहेगा, टाइम पास कैसे करेगा। दिल्ली में होता है ना कि भाई 9 बजे नाश्ता हो रहा है, 12 बजे लंच बन रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि दिन कहाँ आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दिन कब गुजारना मुश्किल होता है, अगर आपके पास खेतों का काम है, अगर आप यहाँ पर आपका अपना घर है तब तो आप बिजी रहोगे, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा ऐसा हमारे ऐसे जो कभी कभार आते हैं और पता नहीं अब क्या करना है, वैसे तो मैं बिजी रहती हूँ, जैसे हिम्मत लोग हो गए तो आदमी बोर हो आता है। यहाँ पर लोगों के गाय भैंस भी देखो चर के अपने घर को वापस जाने के लिए आ गई हैं, किसी के बैल हैं, अभी हल बहाना चालू कर दिया लोगों ने खेतों में, तो हल बहा कर ये चढ़ने के लिए छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आके ये अपना घास खाते हुए यहाँ के रास्ते से, ये है रास्ता, पीछे के रास्ते से ऊपर गाँव की तरफ को चले जाएंगे। मैं अभी नहा के आ रही थी, दिन के 2:30 बज रहे होंगे आई थिंक, एंड मैं जैसे ही नीचे अपनी क्यारी, मतलब नीचे जो जहाँ मैंने खेत में सब्जी वब्जी बोई है वहाँ देखा, तो भाई साहब यहाँ तो लंगूरों की, अरे देखो मैं देख कैसे, आप ये देखो, हाय हेलो कालू पीलू, और इक्का दुक्का वहाँ को चले गए अभी, ये देखो हेलो, अरे ये तो बहुत सारे हैं यहाँ भी, अरे बाबा रे, अरे 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 नहीं नहीं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, आ जाओ आओ इधर आओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, देखो मैं देख कैसे रहे वो सब के सब, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, ये देखो। और ये हमारे नीचे ना यहाँ पर एक्चुअली इस वाले जो इसमें नींबू हो रहे हैं कच्चे नींबू, ये नींबू खा नहीं रहे, तोड़ तोड़ के उनको फेंक दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखना मैं इसकी तरफ को करूँगी कैमरा, तो कैसे डरते हैं, हेलो हाय हाय, देख कैसे रहे उनका ना मुँह काला, तो पता नहीं चला कि देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। इन्होंने जितने हमारे नींबू थे सब तोड़ तोड़ के फेंक दिए, और सच बताऊँ केले हो रहे हैं, यहाँ पर सामने केले का पेड़ है, इसमें केले हो रहे हैं, केले नहीं खा रहे हैं जो कि खाते हैं मोस्टली बंदर, ये खा रहे हैं नींबू। अरे क्या देख रहा है तू मुझे, ये नींबू खा रहा है, नींबू नींबू चोर, सारे यहाँ आके बैठ गए हैं, देखो जरा ये देखो, अरे पापा, अरे पापा तुम्हारी पूरी फैमिली है, ये क्या कर रहे हैं गाइस, ओह माय गॉड, ये हमारे दीवार में से पेंट निकाल के उसको चाट के खा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, देखना ये हमारा पेंट है, और ये पेंट चाट चाट के, ये हमारा पेंट चाट चाट के खा रहे हैं, देखो ये देखो ये देखो, इनको उस पेंट में देखो सारा निकाल दिया उन्होंने, वहाँ से पूरा पेंट निकाल दिया, हे प्रभु कहाँ जाऊँ मैं, कैसे लंगूर हैं, शिट, ओए पेंट क्यों खा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, देख कैसे ले सबके सब। गाइस हेमंत और मम्मी लोग आ गए, तुषार गाड़ चला रहा है गाड़ी, पेड़ की वजह से आपको दिखाई नहीं रहा, वो बैक कर रहा है, तो हेमंत उसकी हेल्प कर रहा है, और बाकी में कुछ और गेस्ट भी आए हुए हैं, शक्ल तो दिख रही है, यहाँ से ऊपर को आएंगे तब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आ जाओ आ जाओ, गृह प्रवेश करती हूँ आप लोगों का, मैं वही कह रही थी ये कहाँ से आ गई आज, कल से मना कर रही थी आने को, ये साची ये आगे हमारे मेहमान, वो देखो ससुराल से आते हैं ना सर में टेजी रख के वैसे आ रहे हो, नमस्कार ताई जी, मजा आ गया, ये देखो हमारे गेस्ट, मेरी माँ का बुढ़ापा नहीं दिखाने का, मैं ये कमर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, हाँ वो दिखता है सब बहनों में, तुम्हें क्या हो गया पैर, बहुत भारी हो गया, ए वो भी टंगा कर आ रही है, और कौन कौन है, तुषार तो भाग गया नीचे वहीं से, हेमंत तुषार ब्लॉक के चक्कर में वहीं से चले गया, और ये कॉल पे है क्या, सॉरी 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 सॉरी, आओ बैठो, चलो अंदर सब निकाल चुकी हूँ मैं आज, नहीं निकालने क्या, सब निकाल दिया मैंने, सब फेंक दिया, मेरा पति अपने ससुराल में आके अपना पैर तोड़ाया, देखो दोस्तों इससे नहीं होगा, इससे हो जाएगा कुछ, लगी क्या पहले ये दिखाओ मुझे, लगी कुछ नहीं है, ये कहाँ ऊंचो, अच्छा ये जो घुसे अंदर पूरा लकड़ी घुस रही है अंदर, ये परेशान हो रखा था ये, और इतना पानी की प्यास में गाय भैंस की तरह पूरा एक ड्रम पानी पी गए, तुम लोग ससुराल पानी नहीं मिला, खैर हमको पानी पीने को नहीं मिला, मैं 10 चक्कर काट दी किचन में, मैं ला रही लोटे पी जा रहे पिए जा रहे पिए जा रहे, पानी पीने को नहीं मिला, बताओ अब मैं लोग बना रही चाय, पंखा खोल दो गर्मी होगी ना ऊपर से आते आते, देखो लटक गए सब के सब यहाँ पे,
और गपी आने में लगे हैं। हाँ क्या दूँ, सेफ्टी पिन दूँ? ठीक है ठीक है, आ गया ना। इसके पीछे पीछे असिस्टेंट इधर लगी रहूंगी मैं दिन भर। ये गाइस हमारा, हाँ आई तेरा खाना लगा जा। हम लोग कितने बजे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे 4-5 दिन बाद। मुझे मत बताओ। ये ले पहले खाना लगा फिर बताऊंगी। उन्हें पहले उसको पहले काम दे देना चाहिए। लगा बेटा शाबाश। ते ससुराल में आएंगे तो खाना खिलाएगी नहीं हमको। अभी अभी इसने इनकी और इनकी बीवी का झगड़ा करा रखा है थोड़ी देर पहले ही। इसने कहा क्या था? बोले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा मेरा। हे भगवान। और नाम भी क्या लिया? आदित्य लड़का योगेश्वरी। योगेश्वरी आर्या। और असली नाम क्या था? आदित्य नहीं था, आदित्य था। योगेश्वरी नहीं, योगेश था। हाँ अच्छा, तो अभी मना लिया बीवी को? मना लिया, मना लिया बीवी को? अच्छा चलो गाइस, तो इसी के साथ यहाँ पर इस व्लॉग का एंड भी करते हैं। हम लोग खाना वाना खाते हैं, उसके बाद भी सोते हैं। अरे आ चुके हैं, ये वो डब्बा लेके घूम रहे हैं साथ में, खिलौने लेके घूम रहे हैं साथ में। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ, और क्या कहूँ, और कुछ नहीं, बस गुड नाइट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।